दोस्तों काफी सारे लोगों का सवाल आता था इन ईएलएसएस फंड्स को लेकर, तो आज इस वीडियो में मैंने इन सभी ईएलएसएस फंड्स को डाल दिया और इनका मैं आपस में कंपैरिजन करने वाला हूं। मेरा ऐसे टेक सेवर क्वांट एक्सप्लेन के साथ साथ पराग पारिक टेक सेवर, कैनर और बेको टेक सेवर, इन सभी फंड्स का आज मैं आपस में कंपैरिजन करूंगा। देखेंगे किस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी है, कौन सा फंड ज्यादा रिस्क लेता है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा बेटर सूट करता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात चली रही है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, हाउ रिच पीपल थिंक। ये बुक आपको समझाती है कि कैसे एक अमीर आदमी सोचते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है, और ये बुक में आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्या आपको अमीर बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत है या किस्मत की जरूरत है। अब अच्छी बात क्या है कि इस बुक को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इस बुक की समरी को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और यहां पर आपको 4000 प्लस ऑडियो शोज लाइब्रेरी मिल जाती है नॉन फिक्शनल कैटेगरी में। 4.5 की इसकी प्ले स्टोर की रेटिंग यहां पर चल रही है। और अच्छी बात क्या है कि आपको इस बुक में अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें बुक को सुन सकते हैं। और अगर दोस्तों आप मेरा कूपन कोड यहां पर यूज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सिर्फ 199 रुपीज में इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, आप भी जाकर डाउनलोड करें और बुक सुनना शुरू करें। अब आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि इन सारे म्यूचुअल फंड्स का कैसा कंपैरिजन है और कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो डेटा है ये 5 म्यूचुअल फंड्स का, इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने पराग पारिक टेक्सेवर, मेरा ऐसे टेक्सेवर, क्वांट एक्सप्लेन, ये मेजरली जितने म्यूचुअल फंड्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी ईएलएसएस कैटेगरी से, उनका डेटा यहां पर, की डेटा यहां पर डाल लिया है। यहां पर हम सेक्टर एलोकेशन, कंपनी एलोकेशन वगैरह पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो सेपरेट डिटेल्ड वीडियोज में किसी भी फंड की यहां पर डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले पराग पारिक टेक्सेवर फंड को देख लेते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 618 करोड़ के आसपास है, काफी कम अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका है। एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली हायर साइड पे दिखती है 0.84% की। 6 महीने में देखेंगे तो सिर्फ 1% की रिटर्न है, लेकिन 6 महीने में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट 6 महीने एक साल से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, उसका इंपैक्ट यहां पर इसकी रिटर्न्स पे दिखता है। एक साल में 12% की रिटर्न है, 3 सालों में 25% की रिटर्न है। 5 सालों की रिटर्न्स अभी इस पे एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि ये 3-3.5 साल पुराना ही फंड है, तो कंपैरेटिवली एक नया फंड है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग इस फंड को नहीं जानते हैं। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम देखते हैं इसकी रिटर्न्स, तो 2021 में 36% की, 2020 में 30% की, 2019 में 9% की, तो कंपैरेटिवली एक स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पर ये ईयर ऑन ईयर भी जनरेट कर पा रहा है। मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 69% पैसा है, तो मेजरली ये अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाकर चल रहा है। टोटल अगर आप देखेंगे 14% अभी भी ये जो पैसा है ये कैश में इसने लगाया हुआ है और 17% पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है, तो कंपैरेटिवली एक सेफर फंड यहाँ पर नजर आता है जो मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में काफी कम पैसा लगा रहा है। रिस्क रेशियोज पे बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, यहां पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये फंड नहीं है, तो 16.75 के आसपास स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी। शार्प रेशियो भी इसकी अच्छी है, 1% के आसपास की। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो वो भी काफी कम है। टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है, तो उसके हिसाब से काफी कम टर्नओवर रेशियो यहां पर इसकी नजर आती है। बाकी फंड्स को भी एक बार ही देख लेते हैं, तो यहां पर हम ले आए हैं मेरा एसेट टेक्सेवर, क्वांट टेक्सप्लान, कैनरा बैको टेक्सेवर और पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड। मेरा एसेट टेक्सेवर को देखते हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,000 के आसपास है, 11,000 करोड़ के आसपास है, तो सबसे ज्यादा अगर इन पांचों फंड्स में से एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो वो मेरा एसेट टेक्सेवर फंड का ही दिखता है। सबसे कम अगर देखेंगे तो पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड का है, हालांकि काफी पुराना फंड है ये, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं है। एक्सपेंस रेशो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशो मेरा एसेट टेक्सेवर, क्वांट एक्सप्लेन और कैनरा बैको टेक्सेवर, इन तीनों की ही काफी कम है।
पीजीएम इंडिया रियल एस्टेट फंड की हायर साइड पे दिखती है, वहीं पराग पारिक टैक्स सेवर की एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो दिखती है, हालांकि कम एक्सपेंस रेशियो आप इसको नहीं बोलेंगे आज के टाइम में। रिटर्न्स अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं तो 6 मंथ्स की रिटर्न अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी फंड्स ने एक जैसी ही रिटर्न 6 महीने में दी है। मिराए से टैक्स सेवर ने लगभग 0% के आसपास की रिटर्न दी है, कॉन्टेक्स प्लान ने 3% की, कैनरा बैंको ने 1% की और पीजीएम इंडिया ईएलएसएस ने -1% की। एक साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी रिटर्न पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की दिखती है, उसके बाद क्वांटेक्स प्लान की 11% की रिटर्न है और उसके बाद पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड की 9% की रिटर्न। वहीं मिराए सेट और कैनरा रोबेको ने यहां पर लगभग 6-7% की रिटर्न दी है। 3 सालों में देखेंगे तो क्वांटेक्स प्लान की सबसे अच्छी रिटर्न है 41% की, उसके बाद मिराए से टैक्स सेवर की भी अच्छी रिटर्न है और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड की भी अच्छी रिटर्न यहां पर दिखती है। 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न क्वांटेक्स प्लान की है 23% की। वहीं अगर आप मिराए से टैक्स सेवर और कैनरा बैंको टैक्स सेवर को देखेंगे तो 16-17% की रिटर्न यहां पर जनरेट करते हुए दिख रहे हैं और पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड की सबसे कम 14% के आसपास की रिटर्न है। ईयर ऑन ईयर अगर कंसिस्टेंसी यहां पर दोस्तों देखते हैं तो पराग पारिक टैक्स सेवर पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर हम इन फंड्स की यहां पर कंसिस्टेंसी देखते हैं तो यहां पर अगर आप क्वांटेक्स प्लान की बात करेंगे तो काफी खराब कंसिस्टेंसी है। 60% और 50% की रिटर्न पिछले 2 सालों में काफी अच्छी रिटर्न है और ये जो 2 साल से इसने अच्छी रिटर्न्स देनी शुरू की है उसकी वजह से ही ओवरऑल इसकी जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर अच्छी दिखती है। 2019-18 यहाँ पर बहुत ही खराब रिटर्न्स इसने दी थी, उससे पहले 2017 में अच्छी रिटर्न्स थी, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप यहाँ पर बात करें मिराए से टैक्स सेवर की, यहां पर आपको कंपैरेटिवली ठीक कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, 35%, 23%, 16%, 0% और 50%। वहीं अगर आप कैनरा बैंको को देखते हैं तो यहां पर बेटर कंसिस्टेंसी है, 35%, 28%, 12%, 5% एंड 27%। वहीं पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड को अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आपको कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली ठीक दिखेगी, तो सबसे खराब कंसिस्टेंसी क्वांटेक्स प्लान की दिखती है, सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी हालांकि कम पीरियड है पराग पारिक टैक्स सेवर की दिखती है। पीजीएम इंडिया की कंसिस्टेंसी सही है लेकिन ऑन अ लोअर लेवल, इसकी जो रिटर्न्स है वो कम रिटर्न्स है लेकिन कंसिस्टेंसी एक लोअर लेवल पे ठीक यहां पर दिखती है। अब दोस्तों अगर हम यहां पर मार्केट कैप एलोकेशन से ये समझने की कोशिश करें कि कौन सा फंड ज्यादा रिस्क लेता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में कौन सा फंड सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है मिड कैप और स्मॉल कैप में वो क्वांटेक्स प्लान करके चल रहा है, 34% पैसा इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। हालांकि अगर आप कुछ टाइम पहले देखते तो क्वांटेक्स प्लान ने बहुत ज्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया हुआ था, अब इन्होंने धीरे धीरे जो अपनी एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज में बढ़ा लिया। ये चीज मैंने जब हमने क्वांटेक्स प्लान पे डिटेल वीडियो की थी वहां पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो हालांकि अभी भी जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड यहां पर नजर आता है वो क्वांटेक्स प्लान नजर आता है। उसके अलावा सबसे कम रिस्क अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में दिखता है, सिर्फ 17% पैसा इसने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। लगभग अगर आप मिराए एसेट टैक्स सेवर और कैनरा और बैंको पीजीएम इंडिया को देखेंगे, इन तीनों को ही देखेंगे, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 27-28% के आसपास इन तीनों ही फंड्स ने लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाया है। तो उस एंगल से यहां पर लगभग एक जैसा ही यहां पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करके चल रहे हैं। की रेशियोज पे हमने ऑलरेडी अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमने बात कर ली है, ऊपर हमने कंसिस्टेंसी समझ ली थी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली यही बताता है कि कौन सा फंड कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन के एंगल से भी पराग पारिक टैक्स सेवर फंड दिखता है, उसके बाद जो सबसे खराब फंड है कंसिस्टेंसी के मामले में वो क्वांटेक्स प्लान यहां पर लगता है। उसके अलावा दोस्तों टर्नओवर रेशियो के मामले में अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक टैक्स सेवर की सबसे कम यहां पर टर्नओवर रेशियो है और सबसे ज्यादा जो टर्नओवर रेशियो है वो क्वांटेक्स प्लान की यहां पर नजर आती है। उसके अलावा मिराए से टैक्स सेवर, कैनरा बैंको टैक्स सेवर और पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड, ये तीनों ही लगभग 50-70% के आसपास की टर्नओवर रेशियो यहां पर है। तो इन तीनों फंड्स की जो टर्नओवर रेशियो है वो ठीक टर्नओवर रेशियो दिखती है,
कौन टैक्स प्लान की बहुत ज्यादा टर्नओवर रेशियो है और पराग पर टैक्स सेवर की काफी कम टर्नओवर रेशियो, और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है उतनी एक बेटर लॉन्ग टर्म यहाँ पर फंड की कन्विक्शन दिखती है। अब दोस्तों बात आती है कि इनमें से कौन से फंड में किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले पीजीएम इंडिया ईएलएसएस फंड को समराइज कर लेते हैं। तो इसकी एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी भी उस लेवल की नहीं है और ओवरऑल रिटर्न्स भी लोअर रिटर्न्स दिखती है। तो ये फंड में तो इन्वेस्ट करने का कोई यहाँ पर इस वक्त मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पर ये फंड यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो से हट जाता है। अब आ जाती है इन चार फंड्स की बात। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, अगर आपको कम रिस्क लेना है किसी ऐसे टैक्स सेवर फंड में आपको पैसा लगाना है जो कम रिस्क लेना चाहता है, सबसे कम रिस्क यहाँ पर पराग पारिक टैक्स सेवर फंड लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको किसी कम रिस्क लेने वाले फंड में पैसा लगाना है तो पहली चॉइस आपकी पराग पारिक टैक्स सेवर फंड यहाँ पर नजर आती है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको पैसा लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्वांट टैक्स प्लान में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, इनकंसिस्टेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब मार्केट अगर गिरता है तो ये फंड बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तो वो सभी सारी चीज़ों को समझकर आपको पैसा लगाना है। ये फंड रेगुलरली अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको भी चेंज करता रहता है, तो वो चीज़ें आपको समझकर इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचना है। टर्नओवर रेशियो भी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, हालांकि 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स इसने दी है। तो अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप क्वांट टैक्स प्लान में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो मिराई एसेट टैक्स सेवर और कैनरा रुपेको टैक्स सेवर यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, अगर आप एक बैलेंस्ड रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। दोस्तों देखिए, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए आपको ये सारी चीजें मिनिमम लेवल पे देखनी है। अगर आपको सेक्टर एलोकेशन, कंपनी एलोकेशन नहीं भी देखनी तो ये सारी चीजें जो मैंने इस चार्ट में यहां पर डाली है, ये सारी चीजें आपको जरूर देखकर कंपैरिजन करना जरूरी है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि जो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड है या कम रिस्क लेने वाला फंड है। सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करने नहीं है, आपका जैसा रिस्क है आप उसके हिसाब से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कुकू एफएम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप भी बुक सुनना चाहते हैं मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।